सभी को प्यार भरा नमस्कार। लाइट चैप्टर या ऑप्टिक्स में रे डायग्राम का काफ़ी महत्व है। ये क्लास 10 के लिए भी और 12 के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे जब भी चर्चा होगी तो हमको रे डायग्राम इकट्ठे दिमाग में आना चाहिए और तभी हम न्यूमेरिकल हो या कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो या कोई अन्य हो विजुलाइज कर पाएंगे, उसको सरलता से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों के बीच रे डायग्राम को लेकर के आया हूँ। एक एक करके बारी बारी से सभी रे डायग्राम को बताऊँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि सिस्टमेटिक तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप भी कोशिश करें, एक टेबल बना लें इस तरह का, और इस टेबल में सभी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। वन बाय वन करके सभी डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर एक की बात करें तो एक नंबर में हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजिशन की बात करनी है। कनकेव मिरर वाला केस हम लोग पहले देख रहे हैं, इसमें मान लेते हैं कि सबसे पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, रे डायग्राम जब भी ड्रॉ करना है तो कुछ इम्पॉर्टेंट रे या स्पेशल रे आपको याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रे या स्पेशल रे है वह रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है। ये एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल से पास हुआ, और ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के थ्रू गुजरता है, फोकस से पास होता है, इसलिए ये पॉइंट एफ मार्क किया जाएगा। अगर दूसरा भी कोई पैरेलल रे आप ले लेते हैं इस तरफ से भी, तो वैसे केस में ये भी फोकस से ही पास होगा, यानी हर बार जो भी पैरेलल रे लिए वो आपको फोकस से पास हो रहा है। और एक बात मालूम है कि जो इन्फिनिटी से या बहुत दूरी से रे आएगा या तो आपस में पैरेलल होगा, और हो सकता है कि ऐसा कर दिया जाए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाए, तो वो मेन फोकस या मुख्य फोकस पे मिलेगा। ऐसे केस में जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज का परसेप्शन देगा, और इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो ये आपको सीधे सीधी एट एफ मिला। साइज आपको दिख रहा है वहाँ पर पॉइंट साइज का बनेगा, और ऐसे केस में आप मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसको हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। ओके, और रही बात नेचर, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण जो इमेज बने वो रियल होता है, और इन जनरल जो भी रियल इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड भी होते हैं, इसलिए इसके नेचर में आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, एक नंबर का तो आपका हो गया। सेकंड पोजीशन की बात करें, हाँ, हम इन्फिनिटी से आगे बढ़ते आएंगे, तो दूसरे पोजीशन की बात करें हम, अगर बिटवीन है ना इन्फिनिटी एंड सी, इसको बियॉन्ड सी भी बोलते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, या आप बोल दीजिए सीधे सीधी बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब क्या होगा। तो कॉनकेव मिरर ऐसा ही आप ड्रॉ कर लें, और ड्रॉ करने के बाद आप एक काम करें, एफ जैसा कि यहाँ मार्क है, एफ का ट्वाइस सी होगा, ऑब्जेक्ट उससे काफ़ी दूरी पे रख लेना है। ऑब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं अभी ये भी, और ऐसे केस में एक रे तो हम पैरेलल लेंगे जो फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद गुजरेगा। एक दूसरा रे हम सी से होते हुए भी ले सकते हैं, ऐसे दूसरा रे हम पोल से भी ले सकते हैं, फोकस से भी ले सकते हैं, लेकिन सी से लेते हैं आसान होता है। अच्छा, सी से आने वाला रे वो भी एक स्पेशल रे है, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, जैसा कि पहले से आपको नॉलेज होगा। कुछ स्पेशल रेज आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इस पोजीशन पे है, यानी जो इमेज बनेगा ए डैस बी डैस वो यहाँ पर बनेगा। ओके, तो ये पोजीशन आपको क्लियर दिख रहा है कि ये बिटवीन ओके सी एंड एफ है, लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट से स्मॉलर साइज का इमेज बना है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख लीजिए, इससे साइज पता चल गया। अब ऑब्वियस है कि एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन के कारण ही इमेज बना है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड भी होगा। और नेक्स्ट बात क्या है, ओके, मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, ये एम जो होगा लेस देन वन होगा, और साथ ही साथ रियल इमेज के लिए नेगेटिव भी होता है। एक बात याद रखेंगे कि मैग्निफिकेशन का साइन रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा। चलिए, एक नंबर दो नंबर के बाद अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, बारी बारी से चेंज करते चलिए और एक एक करके बताते जाइए कि कहां पर और कैसा होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं, ठीक है, कि अगला मतलब तीसरा पोजीशन क्या होगा, तो तीसरे पोजीशन के बारे में आप ये कहना चाहेंगे कि हम लोग बियॉन्ड सी रखे थे, अब तो एट सी रख करके देख लें। तो जब आप एट सी रखेंगे तब क्या होगा, उसकी बात
ओके, अगर यहाँ एफ है ओके तो उसका ट्वाइस सी होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम आप ए बी दे दीजिए। एक रे तो हम लेंगे जो रिफ्लेक्शन के बाद से फोकस से पास हो, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और दूसरा रे चूँकि सी पे ऑब्जेक्ट है तो सी से नहीं ले सकते, हम एक काम करते हैं एफ से होते हुए ले लेते हैं, और एफ से जो रे लेंगे वो भी एक स्पेशल रे है, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से आपको है कि जो रे एफ से होकर के गुजरेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा लाइंस स्केल वगैरह यूज कर लेंगे, सीधा ही ड्रॉ करेंगे, ये सी पे ही आके मिल रहा है ओके, यानी अब आपको ए डैश बी डैश यही मिला। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पर अगर दिखाना चाहें तो पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सी ही होगा ओके, सी पर ही बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। साइज की बात करें तो ए सेम है, कैसे, एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसी साइज का ये भी बना। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही। एम की वैल्यू की बात करें ये वन होगा और साथ ही साथ निगेटिव भी होगा, मतलब माइनस वन होगा, क्यों, क्योंकि इमेज रियल है। तीसरे के बाद से आप चौथे की तरफ बढ़िए ओके, सी के बाद से सी से आगे चलेंगे तो ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट को आप रखना चाहेंगे बिटवीन ओके सी एंड एफ, तब देखिए क्या होगा। ऐसे केस में आपको फिर से एक कनकेव मिरर ले लेना है, और कनकेव मिरर लेकर के इमेज बना लेना है। तो कनकेव मिरर आपने ले लिया, कनकेव मिरर लेने के बाद से अगर ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट सी है, तो ऑब्जेक्ट को इसके बीच रखना है, ऑब्जेक्ट को इसको बीच रखा आपने, एक रे तो हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रे आपके को मालूम है कि रिफ्लेक्शन के बाद से फोकस से पास होगा, ले लिया। एक और रे लेने की बात आई, हम पोल पे ले सकते हैं, और साथ ही साथ हम चाहें तो फोकस से भी ले सकते हैं। चलिए फोकस से अगर ले लेते हैं तब भी हमको यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दूसरा रे इसके हेड से हमने लिया आपको फोकस से पास कराते हुए, ऑब्वियस है जो फोकस पे रे आया वो रिफ्लेक्शन के बाद से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और इस तरह आकर के कहीं पे मिलेगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो इमेज बना वो अब सी के बियॉन्ड बना है, और इसीलिए आप यहाँ पर बियॉन्ड सी लिखेंगे, यहाँ पर बियॉन्ड सी लिखेंगे। एक पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, अच्छा इमेज का साइज वो भी दिखा आपको, लार्जर है ऑब्जेक्ट से, इसीलिए लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड होगा ही क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण बना है ओके। अच्छा एरो रे डायग्राम में देना मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रही बात एम, तो यहाँ पर एम चूँकि साइज बड़ा है इमेज का, इसलिए ग्रेटर देन वन होगा, और साथ ही साथ ये नेगेटिव भी होगा ओके। तो चार नंबर के बाद नेक्स्ट बढ़ने की बारी आई, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करें, फाइव ओके। अब तक हम लोग आगे बढ़ते आए हैं, अब अगला जो हमारा पोजीशन यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखना चाहेंगे, वो पोजीशन आपको दिखा सी और एफ के बाद, हम सीधे एफ पे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और अब इस स्थिति में कहाँ पर इमेज बनेगा ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपने एफ पे रख दिया तो एक रे तो पैरेलल और ये फोकस के थ्रू होकर के ही गुजरेगा, यानी ऐसा हो गया, एफ से डबल आपने सी ले लिया, और अगर सी से एक रे को पास कराया तो अब सी वाले रे की बात किए थे कि वो अपना पाथ रिट्रेस करता है, मतलब ये वापस आएगा कुछ इस तरह से। अब देखिए दोनों ही रेज, ये रिफ्लेक्टेड वाले, ये आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, यानी ऑब्वियस है कि कहीं इधर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो पैरेलल रे मैथमेटिकली अगर बात करें तो इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पर, तो इन्फिनिटी पे, तो इमेज जो बनेगा वो एट इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा ऑब्वियस है कि इन्फिनिटी पे बनने वाला इमेज है ना काफ़ी लार्ज होगा, वो साइज की बात करें तो यहाँ पर आप इन लार्ज लिख सकते हैं ओके। एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, और बहुत इन लार्ज हो गया इसलिए एम फाइंड तो नहीं कर सकते, हाँ इसके बारे में मैग्नीफिकेशन सीधे लिख सकते हैं कि हाईली मैग्नीफाइड ओके, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। जो सिक्स्थ केस है कनकेव मिरर का केस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और इसलिए इस केस पे थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन आप दे दीजिएगा। ये सिक्स केस में ये तो आपने कहाँ पर रखा था, एट एफ पे, और इस केस में बिटवीन ओके कहाँ रखना है,
एफ एंड पी। ओके, ये बेसिकली जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को बाइसेक्ट करता है उसको पोल बोलते हैं। अभी आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको एफ और पी के बीच में रखना है। मान लीजिए कि ये पी है, ओके, इधर एफ है और आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें एक रे, ठीक है, फिर से वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद इसकी बात करें तो ये आपको फोकस से जाएगा। अच्छा, एफ जितना है उससे एग्जैक्टली डबल में सी होगा, तो एक पॉइंट यहाँ पर सी भी ले लेते हैं और एक रे हम सी से होते हुए जो ऑब्जेक्ट है उसके हेड पर लेके आते हैं। ओके, अब यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे और ये फिर अपना पाथ रिट्रेस करेगा, डाइवर्ज कर रहा है, मिलेगा नहीं, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको भी स्टेट आगे बढ़ाइए और बढ़ाने के बाद से जहाँ इंटरसेक्ट करे वहाँ इमेज बनाइए। लेकिन ये जो लाइंस है इसको आप डॉटेड दिखाइए, क्योंकि ये एक्चुअल रे नहीं है, रियल रे नहीं है और यहाँ पर इमेजिनरी इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाएगी कि इमेज जहाँ भी बने, ये इमेज की बात करें तो ये बिहाइंड मिरर बोलना पड़ेगा क्योंकि मिरर के पीछे बना हुआ है। तो वैसे केस में आप बोल सकते हैं कि एक तो बिहाइंड मिरर पोजीशन ऑफ इमेज हो गया और साथ ही साथ लार्जर देन ऑब्जेक्ट ये तो दिख ही रहा है, रियल नहीं होगा ये, आपका वर्चुअल होगा, साथ ही साथ इरेक्ट भी होगा, सीधा दिख भी रहा है। ये देखिए सभी इमेज अपसाइड डाउन बने थे, ये अपसाइड अप बना है। और मैग्नीफिकेशन की बात करें, ये 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए एम पॉजिटिव होता है, यानी मैग्नीफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये 6 केसेस आपको कॉनकेव मिरर के केस में दिखेंगे। और साथ ही साथ अगर मिरर की बात कर रहे हैं तो कन्वेक्स मिरर भी आपके पास होता है। कुल मिलाकर के कन्वेक्स मिरर में आपको 2 केसेस दिखेंगे, जिसमें पहला केस जो होगा आपको 8 इन्फिनिटी वाला ही केस होगा। ओके, सभी मिरर का जो फर्स्ट केस 8 इन्फिनिटी वाला केस ले लें। और अगर आपने इस केस को ले लिया, ये देखिए आपका कॉन्वेक्स मिरर बन गया, तो रे तो पैरेलल आएंगे जो भी रे लेंगे, और आपको मालूम भी है कि इन्फिनिटी से जो रे आते हैं वो पैरेलल आते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हमने ले लिया, ये रिफ्लेक्शन के बाद ओके ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पे आकर के मिल रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पे मिल रहा है। ओके, एक्चुअल में इधर से पॉलिश होता है तो रे के उस तरफ जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी ये वर्चुअल ही आप दिखाएंगे, लेकिन जहाँ पर मिला उस जगह पे आप एक पॉइंट देंगे और उस पॉइंट का नाम फोकस पॉइंट होगा। यानी अभी जो इमेज बना वो आपको एट एफ की बात हुई, फोकस पॉइंट पे बना। यहाँ पर फोकस पॉइंट चूँकि दिख रहा है ये बहुत छोटा है, मतलब पॉइंट साइज का ही बनेगा। अच्छा, यहाँ पर प्रोड्यूस किया आपने रे, इसलिए ये रियल तो नहीं है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए इमेज का नेचर जो होगा वो वर्चुअल, और जो भी वर्चुअल इमेज होता है उसके बारे में हमारा परसेप्शन है कि वो इरेक्ट होता है, तो ये इरेक्ट हो जाएगा। और अभी मैग्नीफिकेशन जब लिखने की बारी आएगी तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लिख पाएंगे इसका, लेकिन एक वर्ड लिख सकते हैं, हाईली मिनिमाइज्ड। ओके, चलिए दूसरा केस इसका। ओके, इस तरफ देखिए ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना ही फोकस है, तो एक तो इन्फिनिटी रहा, दूसरा पोल रहा, तो हम क्या नाम देंगे, तो बिटवीन है ना, इन्फिनिटी एंड पोल, यहाँ पर कहीं भी रखिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखिए, तब क्या होगा, ये इमेज आपको देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, आप जहाँ रखना है रख लीजिए, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। एक रे तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना होगा, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद से लगेगा कि फोकस पॉइंट पे मिल रहा है, और फोकस का डबल यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक रे डायरेक्ट कर लीजिए ऐसा कि वो जा करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल जाए। ओके, बट इस तरफ पॉलिश है इसलिए जो रे आप उधर दिखा रहे हैं पार करता हुआ वो नहीं पार करेगा, डॉटेड आपको दिखाना पड़ेगा, और ये एक्चुअल रे है। ओके, ये अपना पाथ को रिट्रेस कर गया वहाँ से। तो ऐसे केस में जहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ वहाँ पर इमेज बनेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज यहाँ पर ए डैस बी डैस बन जाएगा। अभी देखिए इस केस में भी
बिहाइंड द मिरर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, अदर केसेस में है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेज बना वो स्मॉलर बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू की बात करेंगे वो लेस देन वन और साथ ही साथ पॉजिटिव होगा। ये बातें आपको मिरर के बारे में हो गई। मिरर के साथ साथ लेंस भी यहाँ देख लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। और लेंस की बात अगर करेंगे तो हम कन्वेक्स लेंस से शुरू करेंगे। देखिए जस्ट अपोजिट होता है, जिस तरह से कॉनकेव मिरर में आपको 6 केसेस दिखे थे, यहाँ पर भी आपको 6 केसेस दिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो पहला केस, हाँ लेंस के केस में थोड़ी सी बात और भी है कि जो स्पेशल रे हैं थोड़े से अलग होते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पर एफ होता है, 2F होता है। और अभी जितनी भी बातें करेंगे हम इक्वी कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, यानी ऐसे तो F1 F2 दो तरफ होता है लेकिन हम दोनों साइड F और F की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो रखा ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखा, और इन्फिनिटी से आने वाला रे मालूम है कि पैरेलल होता है, हम इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद, वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा था या रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये एक पॉइंट से ही गुजरेगा, ऐसे इसको सेकेंड फोकस बोलते हैं लेकिन फिलहाल इक्विकन्वेक्स है, एफ ही मान लीजिए। तो वैसे केस में यहाँ पर भी जो इमेज बना वो फोकस पे बना, पॉइंट साइज का है, हाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है इसलिए इसको आप रियल के साथ इन्वर्टेड बोलेंगे। ओके ऐसे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं कि रियल है, इन्वर्टेड भी है, लेकिन फिर भी जितने रियल इमेज हैं उनको इन जनरल आप इन्वर्टेड ही लेकर के चलिए अभी फिलहाल। ओके तो फिलहाल आपके पास ये सिचुएशन आया। दूसरा केस, अब आप कहाँ रखेंगे? हाँ तो मैंने बता रहा था कि अब आपको यहाँ डिसाइड करना होगा, बिकॉज लेंस के केस में ओके आपके पास फोकस होगा और साथ ही साथ 2F होगा, अगर इसके फोकस को F यहाँ बोले तो यहाँ पर आप 2F बोलेंगे, उसी तरह से उतने ही दूरी पर इधर भी इक्विकन्वेक्स लेने में F और 2F होगा। अब रिफ्रैक्शन है, ऑब्वियस है कि इमेज जनरली अपोजिट साइड बनेगा तो वही रियल भी होगा। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है 2F के बियॉन्ड रखते हैं, कुछ इस तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा आपने, एक रे तो लेंगे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये तो हम अक्सर लेते आ रहे हैं, शुरू से लेते आ रहे हैं। ये रिफ्रैक्शन के बाद से पास जो होगा वो आपका F से होकर के गुजर जाएगा, और एक दूसरा रे जो है वो आप ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे स्ट्रेट जाएगा, वो भी एक स्पेशल रे होता है, और इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, इंटरसेक्शन आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो यहाँ पर ए डैश बी डैश आपका इमेज हो जाएगा। ओके एरो जरूर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आपने कहाँ पर बियॉन्ड है ना 2F ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज अपोजिट साइड में कहाँ पर बना, डायग्राम से क्लियर आपको दिख रहा है कि बिटवीन कहाँ F एंड 2F बोल सकते हैं। अच्छा ये भी आपको दिख रहा होगा कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, क्लियर है डायग्राम से, लेकिन एक्चुअल इंटरसेक्शन के कारण बना इसीलिए इस बार इसको रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। ओके मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, लेस देन वन तो होगा ही, स्मॉलर है तो, लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव क्योंकि इमेज रियल है। ये आपका दूसरा के बाद थर्ड आ सकते हैं, थर्ड ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है वो भी आप डिसाइड कर लीजिए, और अकॉर्डिंगली आपके पास इमेज पोजीशन एंड ऑल चेंज होंगे। तो यहाँ पर सबसे अहम बात, हम इस बार ऑब्जेक्ट को रखना चाहेंगे ओके 2F पर ही, तो एट यहाँ पर 2F कर लीजिए। यहाँ अगर आप F बोलते हैं ओके तो ऑब्वियस है कि उसका डबल जो है वो 2F है, इस साइड भी आपको F मिलेगा साथ ही साथ उसका डबल 2F मिलेगा। ऑब्जेक्ट को आपने यहीं पर रख दिया, एक रे लेंगे जो फोकस से पास होगा और दूसरा रे आप ऑप्टिकल सेंटर से लीजिए, इमेज के लोकेशंस अपने आप ही आपको दिख जाएंगे। यहाँ थोड़ा ऊपर में 2F लिखते हैं, ये देखिए आपको 2F पे ही बना, साइज भी आपको दिख रहा होगा जितना ए बी का साइज है उतना ही आपको ए डैश बी डैश का भी साइज है, यानी अब इमेज अपोजिट साइड 2F पे बनेगा। ओके साइज सेम दिख रहा है ऑब्जेक्ट के, सेम एज ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, रियल इन्वर्टेड तो लिखेंगे ही,
मैग्निफिकेशन की बात करेंगे वन होगा और साथ ही साथ नेगेटिव भी होगा, मतलब माइनस वन। ओके, थर्ड के बाद से अब यहाँ पर फोर्थ केस भी देख लीजिए। फोर्थ केस अब ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट को आप रखना चाहेंगे कहाँ पर रखना चाहेंगे, एफ और टू एफ के बीच में। धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, जब आप एफ और टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब क्या होगा ये भी सिचुएशन आप देख लीजिए। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एफ है तो ऑब्वियस है कि यहाँ टू एफ होगा, टू एफ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर एफ तो उसके डबल में टू एफ, एक रे तो आप ले ही लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और नेक्स्ट रे ऑप्टिकल सेंटर है, बीच वाले को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लीजिए। ओके, अब देखिए आप जब देखेंगे कि यहाँ से जो रे है वो जा करके फोकस से मिलते हुए इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्शन के बाद से जो पॉइंट मिला वो 2f के बियॉन्ड मिला, और आप इसको ए डैस बी डैस मार्क कर सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट को ए भी लिया है तो। तो अभी कहाँ बना इमेज, इमेज आपका बियॉन्ड 2f बना, बियॉन्ड 2f बना। ओके, अभी साइज आपको दिख रहा होगा स्मॉलर नहीं है इस बार, इस बार साइज क्या है लार्जर है, रियल इन्वर्टेड तो होगा ही, तो यहाँ पर m जो होगा ग्रेटर देन वन और साथ ही साथ नेगेटिव। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में जब आप करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया सीक्वेंस मिलेगा, और आपको एक के बाद एक पोजीशन भी मिलता जाएगा, जैसे अब 2f पे रखा था, अगला प्रिडिक्ट कर सकते हैं पोजीशन कहाँ रखना है, और साथ ही साथ ए भी प्रिडिक्ट हो जाएगा क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वन से लेकर के फाइव तक देखिएगा, वन में जो ऑब्जेक्ट पोजीशन था, फाइव में इमेज पोजीशन, इस तरह का कुछ रिलेशन मिलेगा जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट पोजीशन की बात करें, एट एफ ही रखते हैं, और इस केस में भी देख लेते हैं, आप भी पेंसिल और स्केल लेकर के बनाइएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट मार्कर से बना ले रहा हूँ, लेकिन आपके लिए सहूलियत ज़्यादा तभी होगी जब आप पेंसिल और स्केल यूज करेंगे और ड्राइंग में कुछ स्केलिंग करके ही ड्रॉ करेंगे। चलिए आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एफ था, टू एफ इधर होगा, वहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, एक एक्सिस एक रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेना ही है। ओके, दूसरे रे की बात करें तो वो ऑप्टिकल सेंटर से आप पास करा लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला रे स्ट्रेट जाता है बिना किसी डाइवर्सन के, और इसलिए यहाँ पर जो रे है वो कुछ इस तरह से जाएगा। सेकेंड रे आपका यहाँ पर बैंड होकर के फोकस से गुजरेगा, और फोकस से गुजरने के बाद देखेंगे कि दोनों रे पैरेलल हैं, पैरेलल है मतलब नियर बाय मिलने वाले नहीं हैं, कहाँ मिलेंगे तो एक्चुअली जाकर के ये एट इन्फिनिटी मिलेंगे। ओके, देखिए पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी से स्टार्ट किए थे, अभी इमेज पोजीशन इन्फिनिटी तक पहुँच गया, तो ये पैटर्न इस तरह से इंटरचेंज होता है, ये देख लीजिएगा। और इस केस में आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इनलार्ज इमेज बनेगा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, और ऐसे केस में मैग्निफिकेशन आप फिर से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो सीधे एक वर्ड में काम चला लीजिए, हाईली मैग्निफाइड। ओके, फाइव नंबर के बाद यहाँ भी सिक्स नंबर, जैसे कनकेव मिरर में सिक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था, यहाँ भी सिक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और सिक्स नंबर वाला जो केस है वो केस आपको वर्क करता है एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास, वैसा ही पोजीशन रखने पे मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे कनकेव कन्वेक्स लेंस काम करता है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आप एक ओके कन्वेक्स लेंस ले लीजिए, और प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगला पोजीशन जो है बिटवीन, ओके आप बिटवीन क्या लेंगे तो एफ एंड ओ की बात करेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एफ है, ऑब्जेक्ट को इसके बीच लेना है। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक तो हम वीएस की लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो उस साइड उतनी ही दूरी मतलब एफ जो है वहाँ से होकर के गुजरेगा, और एक अभी दूसरा वाला जो है ना वो ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। अभी देखिए इस तरफ दोनों रे डाइवर्ज कर रहे हैं, यानी इसके मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं इसको बैच कर लीजिए, ओके, और इसको भी स्ट्रेट वे में है ना बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लीजिए, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद से जहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएं, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नोट कर लीजिए, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नोट कर लीजिए, डॉटेड ही करना होगा क्योंकि वो एक्चुअल तो रे है नहीं। तो ऐसे केस में आपको इस जगह पे इमेज दिखाई दे देगा, और ये इमेज आपका ए डैस बी डैस होगा अगर ऑब्जेक्ट को ए भी लिया आपने। तो यहाँ पर क्या है लिखना पड़ेगा,
हर बार अपोजिट साइड ऑफ आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा था, इस बार आपको सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा जो पोजीशन होगा, और पोजीशन तो कैलकुलेट करके पता चल जाएगा। लार्जर देन ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन इस बार आपने फिर से रेज जो है इमेजिनरी प्रोड्यूस किया हुआ है, इसीलिए आप इसको वर्चुअल इमेज का नाम देंगे, और वर्चुअल इमेज इन जनरल इरेक्ट होते हैं। मैग्नीफिकेशन की बात की है, 1 से तो ज़्यादा होगा क्योंकि आपका इमेज लार्जर है। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, ओके, क्योंकि वर्चुअल इमेज के केस में पॉजिटिव होता है मैग्नीफिकेशन। कन्वेक्स लेंस के बाद अब एक और भी लेंस आपके पास है, वो कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉनवेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रे को डाइवर्ज करता है, अगर इसके बेसिक नेचर को देखा जाए तो। चलिए, इसमें भी आपको 2 केस मिलेगा, जैसा आप मिरर के केस में देखे थे। तो पहला केस सबका वही है, एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से आने वाले रे के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि वो पैरेलल होगा, और पैरेलल होने के साथ साथ हम लोग एक स्पेशल एजम्पशन ले रहे हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। तो ऐसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल जो है अगर इस तरह से आए तो डाइवर्ज करके ऐसा जाएगा, और लगेगा कि एक पॉइंट पे अगर कंटिन्यू करता तो मिल जाता, ये पॉइंट एफ कहलाएगा। इधर से भी अगर ले लेंगे तो आपको वही लगेगा कि अगर डाइवर्ज करता तो कुछ इस तरह से, ओके। तो ये आपको फोकस एफ पे, यानी इमेज अब एफ पे बनेगा। यहाँ ये लार्ज तो नहीं होगा, यहाँ पर ये पॉइंट साइज का होगा, और चूँकि वर्चुअल है, आपने इमेजिनरी रे लिया है इसके लिए, इसलिए वर्चुअल और इन जनरल वर्चुअल इमेज इरेक्ट होते हैं। यहाँ तो इरेक्ट पॉइंट वाला दिखेगा नहीं, इसलिए इरेक्ट लिखेंगे, और यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, ओके। दूसरा केस इसमें भी क्या है कि इस साइड आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ बिटवीन कहाँ इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी रख लीजिए। हर केस में इमेज का पोजीशन वही होगा जो है, ऐसा कि आप इस केस में देखेंगे। तो चलिए, एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं। कॉनकेव लेंस, ओके, आपने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, ऑब्जेक्ट कहीं इस ऐसे लोकेशन पे ले लिया आपने, और ऑब्जेक्ट से जाने वाला रे, ओके, ऑब्वियस है कि इस केस में ये डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करके लगेगा कि मिल रहा है कहाँ पे, तो एक पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम होगा फोकस। अब देखिए, दूसरा रे लेने की बारी आई, ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए। लेंस के केस में मेनली 2 ही रे तो हम लोग लेकर के चल रहे हैं बार बार, तो ऑप्टिकल सेंटर से आपने ले लिया। अब इंटरसेक्शन, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रिफ्रेक्टेड रे स्ट्रेट जाएगा, तो एक तो रिफ्रेक्टेड रे हुआ जिसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, और एक दूसरा ये वर्चुअली मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इसलिए ये ए डैश बी डैश होगा। और अब आपको दिखा कि जो इमेज बना वो बिटवीन कहाँ पर, एफ एंड ओ ऑन सेम साइड। एक बात याद रखेंगे, सेम साइड भी, क्योंकि एफ और ओ तो इधर भी हो सकता था, ओके। दूसरी बात, स्मॉलर है ये, स्मॉल है इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल इंटरसेक्शन, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट तो होगा ही। यहाँ पर m के बारे में वो पॉजिटिव होने के साथ साथ लेस देन 1 होगा। तो ऐसे आप टेबुलर फॉर्म में अगर इमेज बना करके पढ़ लेते हैं तो काफ़ी सहूलियत के साथ साथ आप सीख भी जाएंगे, याद भी रहेगा, और हमेशा आप इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे।